जय माता की, जय मा दुर्गा, जय मा काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी। कैसे हो आप सभी? मैं सरवन राजपूत, माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घरों में, अपने कारोबार में बहुत खुशी पूर्वक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रह रहे होंगे और माँ शक्ति आपको हमेशा खुश रखे। आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिकली है, उसके बाद मैं कुछ और शुरू करूँगा। देखिए, कॉल आते हैं हमारे पास मोस्टली, जो यूट्यूब से कॉल आते हैं या फिर गूगल अकाउंट से कॉल आते हैं, उसमें होता क्या है कि व्यूवर पूछते हैं कि सर, जो बुक में लिखा है लामा पेरा हो या कोई और टॉपिक पे जो आप बोलते हो, बुक में जो हमें सीखा है या जो हमें सिखाया गया है, तो इतना डिटेल में नहीं बताया है। तो अपनी बुक जो आपके पास है, वो पीडीएफ या वगैरह वगैरह जो भी है, हमारे को भेज दीजिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे लामा फेरा है, हम लोगों ने शुरू से, जब से चैनल शुरू किया है और अब तक, लामा फेरा के किसी भी सिंबल का नाम वीडियो में नहीं बताया। उसका रीजन क्या है कि गुरुजी एस के सैनी जी ने ये चीज सीक्रेट रखी थी कि जो सीखेगा उसी को बुक मिले और उसी को उस सिंबल का नाम मिले। आजकल हो क्या रहा है कि बुक पहले मंगा लेते हैं लोग, सीखते हैं नहीं, और बुक में अटेनमेंट देख के अपने आप ही लगे रहते हैं, फिर क्वेश्चन पुट अप होते हैं, हमने सीखा हुआ है जी, बल्कि ये नहीं कह कि सीखा हुआ है जी, हमें अटेनमेंट ले रखी है जी, ये किया हुआ आप, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमें ये सिंबल कैसे बनाना है, ये अगर वो क्रॉसिंग वाला सिंबल कैसे बनाना है, या पहला सिंबल कैसे बना, दूसरा सिंबल कैसे बनाना है, इसका मतलब ये होता कि वो सीखे नहीं हुए हैं, उन्होंने खाली बुक खरीद ली कहीं से और उसमें देख लिया क्या होता क्या नहीं होता, उसके बाद वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जो ओरिजिनल सही तरीके से सीखेगा, कोई भी हो, चाहे कम पढ़ा लिखा भी हो कोई, तो उसको इस बात का जरूर पता होगा, क्योंकि जो टीचर होता है, अगर जो सही तरीके से दिल से सिखाता है, जो चाहता है कि जो उससे सीखे, जो लामा पेरा ग्रैंड मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर है, वो चाहता है कि जो उससे सीखे वो आगे वर्क करे, उसको पॉजिटिविटी फील हो, उसकी नॉलेज जो है उस चीज, उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बढ़े, आगे बढ़े, ताकि वो कहीं बताए तो ये तो कम से कम रहे कि हाँ, वहाँ से सीख के आया है। तो मैं तो यही सोचता हूँ, शायद सभी अच्छा सिखाते होंगे, और वैसे भी अगर जो कोई सही भी नहीं सिखाता, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, तो बेसिक तो बताता ही होगा सिंबल्स के बारे में, लामा फेरा सिंबल्स हो, रेकी सिंबल्स हो, या फिर सालिक मंत्रा के सिंबल हो, हुंकारा विद हलीम के सिंबल हो, योग माया के बारे में हो, किसी भी थेरेपी, किसी भी हीलिंग की फॉर्मेट के बारे में, मैं टॉपिक लामा फेरा का ही ले रहा हूं, तो ये भी बताता हूं किस प्रकार से सिंबल यूज करने, थोड़ा बहुत तो बताता ही है ना सभी, जहां पे जिस सेंटर में आप सीखने जाते हो, ये भी फॉर्मेट बताते हैं कि जो बुक में दे रखा है कि हीलिंग किस प्रकार करनी है, ये सभी बुक में भी लिखा हुआ है कि ढाई फेरा एंटी क्लॉक लेना है। ढाई फेरा का मतलब क्या होता है, जो इंसान है, फोटो अगर आप हीलिंग कर रहे हो, डायरेक्ट हीलिंग कर रहे हो, उसका जो ओरा है उसको कट करना है, उसकी नेगेटिविटी कट करनी है, उसका ओरा कट करना है, ताकि उसके अंदर जो पॉजिटिव वेव है सिंबल्स की, लामा फेरा सिंबल्स की पॉजिटिव एनर्जी है बुद्धा जी की, पॉजिटिव एनर्जी गुरु एस के सैनी जी की, और पॉजिटिव एनर्जी जो आपके ईस्ट होम की सिंबल के साथ मिक्स होकर अंदर ट्रांसफर कर सको आप। उसके बाद सिंबल कैसे बनाना है, देखिए हम लोग जो बनाते हैं, हीलिंग करते हैं, हमारा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि
क्यों हम लगातार हीलिंग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, हीलिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। सिखाना, जिसको सीखना उसको टाइम देकर हम सिखा देते हैं, हम यहाँ पे लाइन नहीं बनाते, यहाँ पे लगातार आते रहो सीखते रहो, लगातार आते रहो, जो भी आ जाओ, एक दिन में 10 सिखा दिए, 20 सिखा दिए, ये सिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। गिने चुने लोग ही यहाँ पे हम बुलाते हैं, गिने चुने लोगों को हम टाइम देते हैं सीखने के लिए, और एक से ज्यादा कभी सिखाते नहीं। अगर ज्यादा दो बंदे बैठेंगे उनको सिखाएंगे, अटूनमेंट उनकी भी अलग अलग ही होगी, ये नहीं है कि दोनों इकट्ठे लिटा दिए और उनको इकट्ठे अटूनमेंट, ऐसा हम कभी नहीं करते। तो प्रत्येक जो आप लामा फेरा के प्रत्येक सिंबल जब आप किसी के शरीर पे, किसी के चक्रा पे या अपने खुद के चक्रा पे एक्टिव करते हो, अपनी हीलिंग करते हो, आपको क्या हीलिंग चाहिए आपको खुद को पता है, सबसे पहले अपने ऊपर प्रैक्टिकल करो, क्योंकि आपको अपने बारे में जितना पता है दूसरे को आपके बारे में इतना पता नहीं होगा। आपको ये पता कि आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपको ये पता आप डिप्रेशन में हो, आपको ये पता होता टेंशन भी है, ये पता नेगेटिविटी है या कुछ और चीज़ है, या कहीं पेन है, चक्रा ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, आपको अपने बारे में पता होता है। सबसे पहले प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस खुद के ऊपर करना जरूरी है। जब आप उस हीलिंग फॉर्मेट की प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस अपने ऊपर करोगे तो आपको चीज के बारे में नॉलेज होगी, हाँ जी रूट चक्रा उत्पन्न हुआ है, सैक्रल चक्रा उत्पन्न हुआ है, सोलर चक्रा उत्पन्न हुआ है, हार्ट चक्रा उत्पन्न हुआ है, थ्रोट चक्रा उत्पन्न हुआ है, थड़ाई चक्रा उत्पन्न हुआ है, क्राउन चक्रा उत्पन्न हुआ है, आपके 24 चक्रा छोटे मिनी चक्रा उत्पन्न हुए हैं, आपकी लाइफ डेली लाइफ में कुछ चेंज आएगा, आपको उस चीज का प्रैक्टिकल और महसूस होगा कि हाँ जी मैंने ये लामा फेरा टेक्निक की थी, मैंने इस सिंबल को इस तरीके से लगाया था और मेरी जिंदगी में नेक्स्ट डे जो मेरा काम रुका हुआ था या मेरा कोई ऐसी चीज ब्लॉक थी और इम होना शुरू हो गई है। जब आप उस चीज को प्रैक्टिकल पे लोगे ना, आपको उस चीज के बारे में ज्यादा समझ में आएगा। हम जो समझाते हैं, जो सीखने यहां पे आते हैं, हमारा मेन काम हो सिंपल फॉर्मेट, सिंपल तरीके से, बिना किसी को डराए, बिना किसी को धमकाए, सिंपल तरीके से। हाँ मैं एक काम जरूर करता हूं, जो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, समझाने के बावजूद भी, पहले यहां पे समझा दिया, 3 बार समझा, 10 बार समझा दिया, घर जाके फोन आया फिर समझा दिया, फिर दोबारा फोन आया फिर उसी क्वेश्चन को फिर समझा दिया, फिर आगे फिर फोन आया उसी क्वेश्चन फिर समझा दिया, फिर दोबारा फोन करेगा आगे करता रहे, उससे फिर मैं उस चीज को नेगेटिव में ले जाता हूं फिर मैं। क्योंकि आपको जब लगातार उस चीज को, उस पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझा दिया है लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है और आप उस चीज को समझते नहीं, बार बार 10 दिन तक कोई क्वेश्चन पुटअप करते रहे, वो तो नेचुरली है, टीचर को थोड़ा गुस्सा भी आता है, भाई इंसान है, और खासकर जो मैं स्टूडेंट हूं उन पे थोड़ा कर देता हूं कभी कभी, लेकिन समझाता फिर भी हूं। तो आप जो भी हम सिखाते हैं उसको प्रैक्टिकल बताते हैं, तरीका बताते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हो सामने बैठा के बताते हैं, कोई डिस्टेंस पे तो डिस्टेंस पे बताते हैं फोन करके उनको डायरेक्ट। एक और बात, जिनकी हीलिंग भी करते हैं उनसे फोन करके पूछते भी है खुद ही कि भाई फर्क, आपको फर्क लगा, कितना फर्क लगा, कहाँ पे ब्लॉकेज पेंडिंग है बता दो। हमारा काम वो नहीं है कि आपसे फीस के हीलिंग के पैसे लिए और कर दी भाई, पूछा ही नहीं, पूछते हैं। और हम स्पेशल बोलते हैं कि जो हीलिंग करवाते हो कॉन्टेक्ट करके अपना जो प्रेजेंट है बताए कि हाँ जी 20% फर्क पड़ा है, 30% पड़ा है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ, जो भी हो बताए। उससे क्या होता है कि हमें भी एक इजी हो जाता है कि हाँ भाई इतना हुआ गया तो अब इसमें क्या और चीज ऐड करें या कम करें कि इसका जो पॉजिटिव एनर्जी है नेक्स्ट पर्सन के अंदर हो रहा हो। कुछ तो कर्मा होते हैं, कर्मा तो जो आपके हीलिंग से दूर हो जाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत तो असर उनका रहेगा, आपने जो किए हुए कर्मा कटते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो असर रहता है। पास्ट लाइफ इशू लामा फेरा में रिमूव हो जाता है, शालिग मंत्रा में रिमूव हो जाता है और हुंकारा विद हलीम में भी रिमूव हो जाता है। जो आपके इस जन्म के कर्म हैं जो आपने किए हैं, फेस तो सभी करना पड़ता है, चाहे इसमें मैं हूं या कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा महात्मा हो, जो कर्म है तो फेस करने पड़ेंगे। हाँ उस कर्मा का जो बैड इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, उस बैड इफेक्ट को आप कम कर सकते हो अपनी हीलिंग करके या हीलिंग करवा के। अगर हम 100 बंदों की हीलिंग करेंगे
60-70 तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल एकदम से कलीन, 20-30 ऐसे होंगे जो उसमें से 30 में से 15 ऐसे होंगे जो राम राम थोड़ा उसके हिसाब से क्लीन होते जाएंगे, 5-10 ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल स्लो क्लीन होंगे, बिल्कुल स्लो, क्योंकि कर्मा होते कुछ फॉलो ही नहीं करते उस चीज को। हीलिंग पॉजिटिव अफर्मेशन से चलती है, जितनी आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर भी इमोशन नेगेटिव हो जाते हैं, इंसान है आप, संसारिक जीवन में रहते हो, फैमिली में रहते हो, लोगों में रहते हो, तो नेगेटिव इमोशन भी आ जाते हैं। ये कोई आप कोई ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ एकदम से, चाहे कोई कुछ हो जाए नेगेटिव इमोशंस नहीं आते, नहीं आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करो उसको दूर रखो। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे, उतना आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। और ये बात मैं कई बार पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, तो जिसको भी लामा फेरा सीखना है, वैसे तो माँ दुर्गा रे की लामा फेरा हीलिंग सेंटर का नाम लामा फेरा सेंटर ही पड़ चुका है, मोस्टली ज्यादा किस लामा फेरा के आते हैं और पितरों के, जबकि हम रेकी भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, हीलिंग हर एक चीज की करते हैं। पितरों के बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया था, करवाना जरूरी है, लोग सब जानते हुए भी उस चीज को अवॉइड करते हैं, जब लास्ट मोमेंट पे फंस जाते हैं जाके, बिल्कुल फिर याद आती है, हाँ जी अब कर दो कुछ, उस टाइम पर हमारे भी हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक चीज का टाइमिंग है, स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है उसका भी टाइमिंग होता है। तो छोटा टॉपिक था जो ये लामा फेरा की बारे में फोन करते हैं कि ज्यादा बताते हो, आपकी नॉलेज ज्यादा है, तो ये नॉलेज ज्यादा नहीं, प्रैक्टिकल कर करके इंट्यूशन से वो चीज गेन की है। जब आप प्रैक्टिकल अपने ऊपर करोगे तो आपको एहसास होगा कि नेक्स्ट क्या करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, हर एक कोर्स के लिए जो हीलिंग थेरेपी का है, और हर एक प्रकार की हीलिंग के लिए, चाहे रिलेशनशिप हीलिंग हो, ब्लैक मैजिक रिमूव, ईविल आई रिमूव, स्प्रिट आई रिमूव, पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, और बॉडी पेन, पितृ दोष, ग्रह दोष, काल सर्प, और भी जो चीजों की हीलिंग, मोस्टली हर एक प्रकार की हीलिंग होती है, तो आप करवा सकती हैं फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के नमस्कार, जय माता की, जय मां दुर्गा, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी, माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ काली, भगवान शिव विष्णु आपको हमेशा खुश रखें, परिवार में कारोबारों में बरकत दे, इसी प्रेयर के साथ जय माता।